दोस्तों कैसे हो। आज मैं आपको सीबीडी बेलापुर दिखाने जा रहा हूँ। यह नवी मुंबई का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और मेरा चैनल ट्रैवलिंग रश सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करके जितने जल्दी हो नवीनतम वीडियो प्राप्त करें। धन्यवाद। फिलहाल मैं पाम बीच रोड पे हूँ, मेरे घर के नज़दीक। विदिन 5-10 मिनट्स मैं सीबीडी बेलापुर पहुंच जाऊंगा। मेरे लेफ्ट साइड में बहुत से टावर दिख रहे हैं, वो सानपाड़ा एरिया के हैं, और राइट साइड में समुंदर है। फिलहाल मैं सरोवर विहार के पार्क के नज़दीक हूँ, जो सीबीडी बेलापुर रेलवे स्टेशन से जस्ट 5 मिनट्स वॉकिंग पे है। और ये पीछे जो क्रीक है उसके नज़दीक है, और बेलापुर एरिया का फेमस पार्क है। मॉर्निंग के टाइम यहाँ लोग जॉगिंग और वॉकिंग के लिए आते हैं, बट फिलहाल कोरोना के वजह से ये पार्क में जाने के लिए थोड़े से रिस्ट्रिक्शन है। एक साइड में ये सरोवर विहार पार्क है और दूसरे साइड में बड़े बड़े टॉवर्स है। जस्ट वॉकिंग है बेलापुर स्टेशन से। ये बेलापुर स्टेशन के नज़दीक का एरिया है। यहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बहुत से हैं। कोंकण भवन है, RBI का ऑफिस है। हम लोग अभी बेलापुर रेलवे स्टेशन के फ्लाईओवर से दूसरे साइड क्रॉस कर रहे हैं, और हम लोग हाईवे क्रॉस करके दूसरे साइड जाएंगे। वो साइड आर्टिस्ट कॉलोनी, आर्टिस्ट विलेज और बेलापुर का पुराना एरिया है। अभी हम लोग फ्लाईओवर पे है, और मेरे लेफ्ट साइड में जो पहाड़ दिख रहा है वो पारसी खिल है। मेरे पहले पार्ट के वीडियो में यहाँ से हम लोग नीचे उतरे थे लेफ्ट साइड में। ये देखो, ये पहाड़ दिख रहा है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है बहुत से। अभी हम लोग राइट टर्न ले रहे हैं। यहाँ एक भूमिराज का बड़ा कॉम्प्लेक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स का गेट लेफ्ट साइड में। हम लोग अभी बेलापुर गांव के यहाँ पहुँच चुके हैं। लेफ्ट साइड में एक तालाब दिख रहा है। ये देखो तालाब बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है। मैं अभी सीबीडी एरिया में हूँ, जिसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। मेरे राइट साइड में द पार्क के 5-स्टार होटल दिख रहा है आपको, ये वाइट बिल्डिंग। यहाँ बहुत से बड़े बड़े कंपनी के हेडक्वार्टर्स है। UTI का बड़ा ऑफिस है, इसके साथ कई नेशनलाइज्ड बैंक के
हेड ऑफिस है, उसमें से बैंक ऑफ इंडिया मेन है, इसके साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच यहाँ है। मैं अभी आर्टिस्ट कॉलोनी के यहाँ पहुँच रहा हूँ। ये मुंबई बेंगलोर हाईवे के लेफ्ट साइड का एरिया है, राइट साइड में सीबीडी एरिया है। बहुत ही शांत और सुंदर और ग्रीन टाउन है बेलापुर। ये देखो लेफ्ट साइड में आर्टिस्ट विलेज में आप पहुंचते हो। ऑलरेडी हम लोग आर्टिस्ट विलेज में एंटर कर चुके हैं। देखो बहुत ही शांत और मुंबई के नजदीक होके भी बहुत ही शांत और सुंदर एरिया है। ये मेरे राइट लेफ्ट साइड में एक सोसाइटी है, देखो उसकी वॉल की पेंटिंग्स। और ये बेलापुर का पहाड़ है, वहाँ बारिश के टाइम बहुत से वाटरफॉल्स होते हैं। यहाँ देखो आगे लेफ्ट साइड में एक गार्डन है और ये एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल। बहुत ही बढ़िया पेंटिंग्स किए थे वॉल पे। पूरा ग्रीन एरिया है, देखो राइट साइड में बड़े बड़े पेड़ है और यहाँ एक नाला है, वो ऊपर के पहाड़ से आता है, बारिश के टाइम उसमें बहुत सा पानी होता है। यहाँ छोटे छोटे बिल्डिंग्स है। वेल मेंटेन रोड और शांत एरिया, ये बेलापुर की खासियत है। अच्छे हाउसिंग सोसाइटीज है यहाँ, रो हाउसेस है, बेंगलोज है। आई थिंक हम लोग अभी राजीव गांधी स्टेडियम के यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ ये देखो सामने दिख रहा है राजीव गांधी स्टेडियम। ये अभी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक स्टेडियम है, यहाँ स्कूल के गेम्स होते हैं और लोकल स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी यहाँ होता है, लेकिन फिलहाल कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है। वापस हम लोग घूम के आर्टिस्ट विलेज के यहाँ पहुँच चुके हैं। देखो बहुत ही बढ़िया रोड है और मेरे लेफ्ट साइड में नाला है, नाले के वो साइड के बिल्डिंग में जाना है तो आपको आगे एक छोटे छोटे ब्रिज है, वहाँ से उसके ऊपर से आप वहाँ जा सकते हो। देखो एक साइड में रेसिडेंशियल एरिया है, एक साइड में नाला है और उसमें से ये छोटा रोड है, लेकिन ग्रीनरी झाड़ ट्रीज यहाँ बहुत है, उसके वजह से पोल्यूशन की लेवल बहुत ही कम है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ट्रैवलिंग रश पे और बेल आइकॉन क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। ये मेरा पार्ट टू अब मैं यहाँ ही ख़त्म कर रहा हूँ सीबीडी बेलापुर का। अगर मेरे को बाहर और घूमने मिले तो मैं मेरे और दो तीन पार्ट्स आएंगे, क्योंकि फ़िलहाल लॉकडाउन महाराष्ट्र में 2 दिन का लॉकडाउन है तो मैं बाहर नहीं घूम सकता हूँ। धन्यवाद।